हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवीना नीटिंग। आज देखिए, दो कलर में हम एक बहुत ही प्यारी सी बुनाई सीखेंगे। बहुत ही अच्छी लगती है और देखिए इस तरह से ये जाली में बनकर आती है और बहुत ही प्यारी लगती है। इसे आप लेडीज कार्डिगन में, जेंट्स स्वेटर में या बच्चों के स्वेटर में किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही प्यारी और आसान सी बुनाई है। ये देखिए, इसका राइट साइड है, ये इसका देखिए रॉन्ग साइड है। तो चलिए फ्रेंड, इस डिज़ाइन को बनाने के लिए इसके फंदों का हिसाब लगा लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमें इस डिज़ाइन को बनाने के लिए इवन नंबर में फंदे लेने हैं, यानी कि दो दो के हिसाब से हमें यहाँ पर फंदे रखने हैं। दो 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 इस तरह से हमें यहाँ पर फंदे रख लेने हैं। कोई भी फंदा हम यहाँ पर एक्स्ट्रा नहीं रखेंगे। और देखिए, छह सिलाई का हमारा ये बुनाई का डिज़ाइन है। चार सिलाई हमारी एक कलर से बनेंगी, दो सिलाई एक कलर से बनेंगी, तो छह सिलाई में हमारा ये डिज़ाइन कंप्लीट होगा। डिज़ाइन राइट साइड से शुरू होगा और इसके लिए जो हम नीडल लेंगे वो 10 नंबर की नीडल लेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और डिज़ाइन को बनाना सीखते हैं। पर देखिए, ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट कलर से पूरी सिलाई हम यहाँ पर देखिए सीधी बुनेंगे। पूरी सिलाई को सीधा बुनते हुए कंप्लीट कर लेंगे। पूरी सिलाई हम यहाँ पर देखिए सीधी बुन लेंगे। हमारे डिजाइन की फर्स्ट रो है, इसको पूरा सीधा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। आप देखिए उल्टी सिलाई, इसको भी हम देखिए पूरा सीधा बुन लेंगे। तो इस सिलाई को हम देखिए पूरा सीधा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। अब देखिए, हमने दो सिलाई सीधी सीधी बुननी है, सिंपल। अब ध्यान से देखिएगा, अब हम यहाँ पर देखिए सेकंड कलर से बुनेंगे इस सिलाई को। तो पहला फंदा हम एक सीधा बुन लेंगे। आप देखिए ध्यान से देखिएगा, अब हमें यहाँ से देखिए दो फंदों के बाद से यहाँ पर से एक लूप बनाना है। देखिए, और यहाँ पर हम दो फंदों का एक कर देंगे। तो देखिए, यही दो फंदे का हम डिज़ाइन फिर से रिपीट करेंगे। यहाँ से दो फंदों के बाद से नीडल को निकालते हुए एक लूप बनाएंगे और दो फंदों का एक कर देंगे। फिर से देखिए, एक लूप बनाएंगे और दो फंदों का एक करेंगे। एक लूप बनाएंगे यहाँ पर और दो फंदों का एक करेंगे। यहाँ से दो फंदों के बाद से एक लूप बनाएंगे और दो फंदों का एक करेंगे। तो देखिए, इस तरह से करते हुए हम पूरी सिलाई में यही डिज़ाइन रिपीट करेंगे दो फंदों का। देखिए ऐसे, इस तरह से करते हुए हम पूरी सिलाई में यही डिज़ाइन बनाएंगे। ये देखिए, लास्ट में हमारे पास एक फंदा बचेगा, तो उसको हम देखिए सिंपल सीधा बुन लेंगे। तो देखिए, सिलाई कंप्लीट हो गई। उल्टी सिलाई को ध्यान से देखिएगा, एक फंदा उल्टा बुनेंगे। अब देखिए, एक फंदा हम इसमें से ये सीधा बुनेंगे। अब धागा अपने साइड लाएंगे, इस वाले फंदे को हम बगैर बुना उतार देंगे। फिर से देखिए, यही दो फंदों का डिज़ाइन रिपीट करेंगे। एक फंदा सीधा बुनेंगे, धागा अपने साइड लाएंगे, ये फंदा बगैर बुना उतार देंगे। एक फंदा सीधा बुनेंगे, धागा अपने साइड लाएंगे, ये फंदा बगैर बुना उतारेंगे। एक फंदा सीधा बुनेंगे, ये फंदा बगैर बुना उतारेंगे। एक फंदा सीधा बुनेंगे, एक फंदा बगैर बुना उतारेंगे। तो यही दो फंदे का डिज़ाइन पूरी सिलाई में हम रिपीट करेंगे। देखिए, एक फंदा सीधा बुनेंगे, एक फंदा बगैर बुना उतारेंगे। एक फंदा सीधा बुनेंगे, एक फंदा बगैर बुना उतारेंगे और लास्ट का फंदा उल्टा बुन लेंगे। तो देखिए, सिलाई कंप्लीट हो गई। आ जाते हैं सीधी सिलाई में। अब देखिए, सीधी सिलाई को भी ध्यान से देखिएगा, एक फंदा सीधा बुनेंगे। अब धागा अपने साइड करेंगे और ध्यान से देखिए, ये फंदा हम ऐसे सामने से बुन लेंगे। एक फंदा उल्टा बुनेंगे। अब ये जो हमने देखिए यहाँ पर धागा नीडल के ऊपर लिया था, यानी कि जाली बनाई थी, इसको हम देखिए इन दो फंदों पर से उतार देंगे। देखिए ऐसे करते हुए,
अब फिर से ही धागे को आगे रखते हुए इस फंदे को बुन लेंगे तो हमारी एक जाली बन जाएगी। यहाँ पर देखिए इस तरह से अब एक फंदा उल्टा बुनेंगे और ये जाली वाला फंदा इन दो फंदों पर से उतार देंगे। फिर से देखिए एक फंदा ये सामने से हम सीधा बुनेंगे ऐसे जाली बनाते हुए, एक फंदा उल्टा बुनेंगे और ये जाली वाला फंदा हम इन दो फंदों पर से उतार देंगे। देखिए ऐसे, फिर से देखिए ध्यान से कि फंदा बुनेंगे सामने से, एक फंदा उल्टा बुनेंगे और ये जाली वाला फंदा इस पर से उतार देंगे। तो यही दो फंदे का हम डिज़ाइन रिपीट करते जाएंगे। ये देखिए पूरी सिलाई में हम ऐसे ही बनाएंगे। इस फंदे को हमें सामने से बुनना है और धागे को अपने साइड रखते हुए बुनना है और एक फंदा उल्टा बुनेंगे और ये जाली वाला फंदा इस पर से उतार देंगे। तो पूरी सिलाई ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। देखिए इस तरह से ये देखिए लास्ट का फंदा सीधा बुन लेंगे। तो देखिए सिलाई कंप्लीट हो गई। अब आ जाते हैं उल्टी सिलाई में। अब देखिए उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बुन लेंगे, यानी कि तीन सिलाई में हमारा डिजाइन बनेगा, बाकी तीन सिलाई हमारी सिंपल बुनी जाएंगी। तो यहाँ पर उल्टी सिलाई को पूरा उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। देखिए सिलाई कंप्लीट हो गई और यहाँ पर देखिए हमारा डिज़ाइन भी इस तरह से कंप्लीट हो गया। बहुत ही प्यारा सा और आसान सा बुनाई का डिज़ाइन है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा कि कैसा लगा। अगर आपको मेरे डिज़ाइंस पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, कमेंट्स करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।